अंजी कैसे हैं आप? आज भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाना है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पहली बार भारत के साथ जो टीम मैदान में उतरेगी वो होगी आयरलैंड। आपको बता दें कि ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। भारतीय फैंस और भारतीय लोगों में बहुत रोमांच और बहुत उत्साह है इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप मुकाबला बेहद ही खास मुकाबला है, खासकर भारतीय टीम के लिए और रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए। तो आज रात 8 बजे से आप भी अपनी टीवी के सामने जाकर इस मुकाबले को देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स और उसके सहयोगी चैनलों पर। आपको बता दें कि ये दोनों टीमों के बीच में तकरीबन 9 मुकाबला हुआ है, जिसमें से 8 बार भारत ने इस मुकाबले को जीता है, जबकि एक बार मैच किसी वजह से रद्द हो गया था। भारत ने 2007 में विश्व कप जीता था T20 वर्ल्ड कप का, हालांकि आयरलैंड ने 2009 में सुपर 8 में अपनी जगह बनाई थी। इससे पहले आयरलैंड अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को नहीं जीत पाई है। अब देखना ये होगा कि आज भारत और आयरलैंड के बीच ये मैच किस मुहाने पर लेके जाता है। हालांकि भारतीय फैंस के मनों में अभी भी बहुत रोमांच और उत्साह है रोहित शर्मा की बैटिंग और विराट कोहली की बैटिंग देखने के लिए, क्योंकि कयास ये लगाया जा रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि ये ICC टूर्नामेंट की उनकी आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है, क्योंकि इसके बाद वो इस तरीके के मैचों में नहीं दिखाई देंगे। हालांकि इन दोनों के लिए बहुत ही खास मुकाबला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों नेट में प्रैक्टिस करते हुए देखे गए। आज रात 8 बजे से भारत और आयरलैंड के बीच ये मुकाबला आप सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये मुकाबला बेहद ही खास रहने वाला है, कि अब तक जितनी बार भारतीय टीम आयरलैंड की टीम के साथ भिड़ंत हुई है या मैच हुआ है तो भारतीय टीम का ही पलड़ा भारी रहा है। पिछली बार बुमराह की कप्तानी में आयरलैंड के साथ मैच हुआ था, वहां पर भी बुमराह ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप आज होने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि रात 8 बजे शुरू हुआ ये मैच किस मुहाने पर जाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप भारत आने वाला है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इसी प्रकार से स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।